स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, आज जानना चाहूंगी, आप जो रॉ मटेरियल यहाँ पे दर्शकों को बताते हैं, बहुत सारे दर्शक जो हैं आप शिकायत करने लगे हैं कि रॉ मटेरियल मिलते नहीं हैं, बहुत जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ती है, असली नकली में पहचान नहीं कर पाते हैं, और कुछ रॉ मटेरियल तो उन्हें उन्होंने कभी सुने ही नहीं होते हैं, तो ये मिलने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? देखिए, रॉ मटेरियल तो मिलते हैं, जी लेकिन बड़ी कंपनियां रखती हैं जी और नकली तो हर दुकान पर मिलते हैं। जी जी अब लोगों ने काफ़ी लोगों ने नकली भी ले लिया, तो जी जी असली चीज़ और अच्छी चीज़ के लिए हमेशा कह रहा है कि उसकी थोड़ी किल्लत रहती है, मुश्किल से मिलती है, लेकिन असली मिलने पर हम असली फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी अगर हमें दूध की ज़रूरत है तो हम पानी से काम नहीं चला सकते, इसी तरह नकली और असली का फ़र्क होता है। और मैं बताता हूँ तो फिर लोग रखने लगते हैं, छोटे दुकानदार भी, क्योंकि डिमांड आती है और हम भी पूरी नहीं कर पाते, इंतज़ार करना पड़ता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन हमारे पास से असली जाता है। जी हकीम साहब, कभी हमने नहीं सुना कि जैतून का सिरका भी होता है, एलोवेरा का सिरका भी होता है, तो ये जो सिरका होता है, क्या आम व्यक्ति इसे अपने घर में भी बना सकता है, या फिर ये मिलने में इसलिए भी मुश्किलात होती है क्योंकि ये यहाँ नहीं बन पाता है? नहीं, बन तो ये कहीं भी सकता है, लेकिन जी इसके लिए 37 से 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। फिर जी क्योंकि जो चीज़ भारत में पैदा नहीं होती तो बाहर से लानी पड़ती है, बिल्कुल तो महंगी पड़ती है। जी ये सिरका भी सबसे महंगा है जी और सबसे फ़ायदेमंद है, तो विश्व में ऐसा सिरका कोई नहीं। जी और इसको क्योंकि लोग बनाते हैं सिरके रस मीठा होता है, अंगूर का बनाते हैं वो मीठा होता है, जामुन का बनाते हैं वो मीठा होता है, वो आसानी से मिल भी जाता है और आसानी से सड़ भी जाता है। लेकिन क्योंकि ये एलोवेरा और जैतून क्योंकि मीठा नहीं होता, तो इसको इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरे सिरके अगर 3 महीने में तैयार होते हैं तो इसमें 1 साल भी लग सकता है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए तभी तो आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि जो नुस्खे आप लोगों को बताए जाते हैं तो उनमें जो रॉ मटेरियल होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, बहुत लाभप्रद होते हैं, उन्हीं से ही यूनानी दवाइयाँ बनती हैं। दर्शकों, जब आप लोग ये समझ जाएंगे कि हाँ हमें यूनानी ट्रीटमेंट लेना है, आयुर्वेद से जुड़ना है, नुस्खे हमें जानना है, तो निश्चित ही ये बात आप लोग समझ लीजिए, आपका कोई भी रोग जड़ से खत्म हो सकता है। बाकी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, हकीम साहब आप सभी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए अगर आप लोग सीधा उनसे लाइव बात करना चाहते हैं। ये बात कर लेते हैं पहले कॉलर से, हमारे साथ शीला हैं राजस्थान से, स्वागत है आपका शीला जी। हाँ जी बोलिए। मैं मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी, भूख नहीं लगती है। कब वैसे से? मैंने शरीर की मेरे 3-4 साल से नहीं लग रही है, ऐसा ही हो रहा। तो एलोपैथिक दवाइयां है जो भर्ती करा देते हैं, बोतल तो लगवा देते हैं, एनर्जी की दवा लगा देते हैं, उससे एक बार 2-4 महीना फिर हिम्मत रहती है, नींद नहीं आती, लेकिन फिर वही स्थिति बन जाती है, उठने की बैठने की हिम्मत नहीं रहती। शीला जी, एज और बता दीजिए अपनी। 36 वर्ष। अच्छा, बहुत कम उम्र है आपकी और इस कदर परेशानी। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जिससे आप नॉर्मल रहने लगेंगे और नींद भी खूब आएगी और हॉस्पिटलाइज भी नहीं होना पड़ेगा। देखिए, जैतून का सिरका आता है, विनेगर, जैतून का, ये 3 चम्मच दिन में नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को आप पानी में मिलाकर पिए, काफ़ी तेज़ होता है ये, तो पानी में मिलकर हल्का हो जाता है, तो 2 बार पिए आपको अच्छी नींद आएगी, सुकून बहुत मिलेगा, ये दिमागी सुकून आपको देगा और गफलत की नींद आएगी, और अगर लगातार लें तो आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल, अगर इन्हें कोई यूनानी दवा सजेस्ट करनी हो तो वो क्या कुछ हो सकती है हकीम साहब? हाँ, ये सिरका ले सकते हैं जी जी और ये यूनानी दवाई है, जी मतलब है तो रॉ मटेरियल टाइप का जी लेकिन यूनानी दवा है, और इसके लिए यूनानी दवाएं भी आती हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो
वो भी ले सकते हैं, जैसे अखरोट प्राश माजून एक टाइम या दो टाइम आप लिया करें। इससे भी हमारे दिमाग को बड़ा सुकून और तकवीत ताकत मिलती है और हम नॉर्मल हो सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर है इलाहाबाद से, पंकज हमारे साथ। स्वागत है पंकज जी। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हमें हमारे मतलब बाल जो बहुत ज्यादा झड़ रहा है, मेरा बाल पतला है, झड़ रहा है बहुत तेजी से, और मेरी एज है 25 साल। ठीक है। हाँ देखिए, यहीं से फिक्र कर लीजिए अपने बालों की, और एक बड़ा अच्छा नुस्खा है देखिए बालों का। बच्चियों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है आपकी उम्र की, और लड़कों को तो ज़्यादा परवाह नहीं होती, आप ही कर रहे हैं। देखिए, एक आता है गौंद मोरिंगा और सफ़ेद, गौंद मोरिंगा सफ़ेद यानी वाइट, ये लाल वाला मत लेना, गौंद मोरिंगा सफ़ेद आप ले लीजिए और इसको पाउडर बना लीजिए, रॉ मटेरियल लीजिए, और आधा ग्राम एक नारियल पानी में मिलाकर रोज़ाना पिया करिए। बाल ऐसे के संभाले न जाए, मैं भी लेता हूँ, अब तो कभी कभी लेता हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन बाल आखिरी सांस तक हमारे खूब रहते हैं, ऐसा मेरा तजर्बा है। तो बिल्कुल, आपके जो बाल झड़ने की समस्या चल रही है, जैसा कि आपने बताया, बहुत समय से ये दिक्कत परेशानी आ रही है, और शायद आपको ये भी लगता होगा कि कहीं मेरे सर से सारे बाल तो नहीं चले जाएंगे, गंजेपन का मैं शिकार तो नहीं हो जाऊंगा, और आपकी एज इतनी कम है, तो आपसे कहना चाहूंगी जल्द से जल्द ये नुस्खे अपना लीजिएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा, आप ये खुद देखेंगे, और आपकी फीडबैक कॉल का इंतजार भी हमें रहेगा। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, हमारे साथ वर्मा जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं एमपी से। ये जी, आपका सवाल। हसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैहि वबरकातुहू। जी वाले सलाम, कैसे हैं जनाब? आपके मिजाज कैसे हैं? सब खैरियत है अल्लाह का। अरे बड़ी दुआएं हैं आपकी, बड़ा आशीर्वाद। बताइए क्या सवाल है? मेरा मेरा ये कहना पड़ता है साहब कि ये जो अपन आप वेस्टर्न टॉयलेट का बोलते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करने का जो जी बोलते जी हैं, जी 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 तो इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हालात जिनके होते हैं जो मुहैया नहीं करवा सकते हैं, तो ठीक है ठीक है इसके लिए कोई मतलब जो आप बताते हैं ना ठीक। गोंतिया, तो उसमें कुछ इजाफा दूसरी चीजें कर सके तो बनिस्बत उसके, अगर बन तो उसमें जो आदमी को आसानी हो जाए। ठीक है ठीक है, सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली आपने बड़ी डीप बात कही, और दरअसल इस टॉयलेट को कभी इंडिया में पसंद नहीं किया गया, लेकिन और मैं भी नहीं पसंद करता, लेकिन जो आने वाला मर्ज है, ये हम जब उकड़ू बैठते हैं ना ज़मीन में, तो हमारे कमर में अगर दर्द है या घुटनों में, तो दवा जो काम करती है, जितना भी फ़ायदा पहुंचाती है जित रोज़ाना, उतना ही वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए वेस्टर्न टॉयलेट की ज़रूरत होती है। अच्छा, वेस्टर्न टॉयलेट महंगा नहीं लगता है, जितने में नॉर्मल लगता है उससे ज़रा से पैसे, यानी अगर नॉर्मल जो है ना वो 5,000 में लग जाता है, तो ये 6,000 में लग जाता है, ऐसा मेरा तजर्बा है। मैंने बहुत सारे लगवाए अपने घर में, तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। अच्छा, हर घर में एक बुज़ुर्ग होता है, अगर आप नहीं तो आपके बुज़ुर्गों के लिए ज़रूरी है, और जो लोग भारी हैं या जिनका पेट है उनको बहुत दुश्वारी होती है वहाँ बैठने में। अच्छा, दवा एक हद तक काम करती है, यूनानी दवा जो है वो वैसे ही ज़रा ज़रा सा फ़ायदा रोज़ करती है, मतलब अगर इंग्लिश दवा आदमी खा ले तो बाथरूम जा सकता है, लेकिन यूनानी दवा तो ज़रा सा फ़ायदा पहुँचाएगी और वही ज़रा सा ख़त्म हो जाएगा जाकर। इसलिए आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ से फ़ायदा होगा, किस चीज़ से नुकसान होगा, बाकी उसकी मर्जी है। फ़ायदा उससे भी होगा जिसके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होगा, लेकिन उसको देर बहुत लग जाती है और इंसान बड़ा बेसब्रा है, शिकायत करने लगता है, तो इसलिए मैं अक्सर ये बात कह देता हूँ। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं उदयपुर से, प्रीति हमारे साथ। स्वागत है प्रीति जी। नमस्ते मैम। जी नमस्कार।
ये मैं पूछ रही थी सर, ये आपका शो आ रहा है मैम टीवी पर अभी? जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती, मेरा बेटा है 10 साल का मैम, तो वो टॉयलेट करता है हर आधा घंटे में, पौन घंटे में, एक घंटे में भी कर लेता है, तो क्या प्रॉब्लम है मैम? 10 साल का बच्चा, ठीक है। हाँ देखिए, प्रॉब्लम तो वो उसका पेट की है, और पेट इससे ठीक हो जाता है जिस जो मैंने उसका बता रहा हूँ। प्रीति जिंटा जी, देखिए एक गोंद आता है, मैं अक्सर गोंद बताता हूँ, नमक बताता हूँ, लोग सोचते भी हैं क्या क्या बताता रहता है। ये गोंद आता है बादाम का, याद रखें बादाम का गोंद, और वो ले लीजिए, सस्ता ही आता है, 100 ग्राम खरीद लीजिए और इसको ग्राइंडर में करेंगे तो पाउडर बन जाएगा। तो इसका आधा ग्राम पानी में मिलाकर पिला दें दिन में एक बार, और एक ही बार देते रहें, जब जब ये बच्चा ठीक हो जाए तो उसको रोक दें, और इससे उसको बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं जयपुर से हमारे साथ रेखा, स्वागत है रेखा जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। हाँ नमस्ते। हाँ जी, मेरी बेटी है मैडम, और उसको कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, जो 2-3 साल हो गए हैं, और वैसे तो ठीक है, दवाई उसकी चल रही है, मगर उसे वीकनेस बहुत रहती है, और इस दवाइयों के असर के कारण शाम तक जो है वो बिल्कुल लस्ट हो जाती है, तो उसकी इम्यूनिटी या जो वीकनेस कम करने की मुझे कुछ जरूरत है दवाई। ठीक है, उम्र बता दीजिए बच्ची की। उम्र 38। अच्छा देखिए, आप बहुत चिंतित होंगी और उसका हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, जब तक आप जिंदा हैं उसकी फिक्र करेंगे, ये माँ का दिल होता है जो मानता नहीं है, और इम्यूनिटी हर आदमी में स्ट्रांग होनी ही चाहिए। आज तो मैं क्या और आप क्या और वो बच्ची क्या, उसको तो सख्त ज़रूरत है, और आप भी लीजिए, जिसको भी इस वक्त इस लायक है कि इम्यूनिटी की एक खुराक भी ले सकता है, तो चाहे वो एक रोटी कम करके एक इम्यूनिटी की खुराक ज़रूर खाए। माजून आर केयर, सुबह और शाम एक एक चम्मच गर्म पानी से दिया करें, और मेरी तरफ से बच्ची को कहिए कि जितना गर्म पानी पी सके, वैसे 5 गिलास तो मैं अक्सर सबको कहता हूँ, लेकिन ये बच्ची ख़ास है, ये इससे ज़्यादा पिए तो बहुत अच्छा, ये जितना पानी पिएगी गर्म इतना इसको आने वाले वक्त में ये इस बीमारी यानी कैंसर जैसी बीमारी के दोबारा ना होने के चांस रहेंगे। खूब पानी पिया करें और माजून आर केयर खाएँ, और सब लोग खाओ, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इम्यूनिटी की खुराक ज़रूर लीजिए ताकि ज़िंदगी कायम रहे। जी, एमपी से अगले कॉलर हैं सुदेश हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। जी आदाब। मेरे को डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी मैं बात कर रहा हूँ, फरमाइए। अच्छा नमस्कार सर। जी आदाब। मेरे को सर एक तो बीपी क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, और सीने के सामने जलन रहती है, तो कुछ भी खाता पीता हूँ जैसे खाना वगैरह या मतलब चाय वगैरह, तो एकदम ऐसी जलन महसूस होती है और वीकनेस ज्यादा महसूस होती है सर। ठीक है ठीक है। तो देखिए, एक नुस्खा ऐसे लोगों के लिए जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम और सीने पैसा जैसे कुछ रखा हुआ है, ब्लड प्रेशर भी है, तो हार्ट का भी परेशानी, ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट का मरीज़ या कोलेस्ट्रॉल का मरीज़, इन सब के लिए, या फालिज का मरीज़ हो कोई, ऐसे लोगों को ये नुस्खा लेना चाहिए, इससे मर्ज को निजात मिलती है। और यह है देखिए बहुत आसान, मुश्किल आपके लिए बनाने में, आपको खुद बनाना है। नींबू का रस निकालें 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर, और लहसुन का रस 1 लीटर, 1 लीटर जैतून का सिरका, आप इसे मिक्स करें और 3-3 चम्मच सुबह शाम पिया करें। आने वाले वक्तों में आपको बीपी से भी निजात मिलेगी, और फौरी तौर पर ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
आपकी एसिडिटी के लिए और दूसरे मर्ज के लिए, यहाँ तक कि जिनको हार्ट ब्लॉकेज हो गया वो भी इसको पिए, हार्ट ब्लॉकेज बगैर ऑपरेशन के भी इस नुस्खे के ज़रिए खुल सकता है और बहुत बड़ी परेशानी और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है जी।